रोहतक पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर आपको हम बता दें तो सीएम मनोहर लाल रोहतक पहुंच चुके हैं। जल शक्ति जन शक्ति अभियान का शुभारंभ उन्होंने कर लिया है। सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी उनके साथ मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, जल शक्ति जन शक्ति अभियान का शुभारंभ सीएम मनोहर लाल की ओर से किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज रोहतक का दौरा है सीएम मनोहर लाल का और यहां पर कई सौगातें भी सीएम मनोहर लाल जनता को देंगे। जल शक्ति जनशक्ति का शुभारंभ कर लिया गया है, अभियान ये चलाया गया है बीजेपी की ओर से। और सीएम मनोहर लाल ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जल शक्ति जनशक्ति अभियान की शुरुआत की गई सीएम मनोहर लाल के द्वारा और उनके साथ सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, रोहतक पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल और यहां से जल शक्ति जनशक्ति अभियान की शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके साथ सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद हैं और जनता तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि जल कितना जरूरी है। और इसी खबर पर सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सुरेंद्र सिंह, कैसी तस्वीर अभी यहां पर सामने है, क्योंकि जल शक्ति जनशक्ति अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है। जी देखिए, जिस तरह से हरियाणा में पानी की किल्लत है, उसको एक जल बचाने की मुहिम चलाई गई है। जल शक्ति की मुहिम आज हम हरी झंडी दिखाकर, जो एक तो स्कूली बच्चों ने एक शहर के जो कारना में एक रैली निकाली है, उसके बाद मुख्यमंत्री अभी 11 बजे सब्जी हाउस में पहुंचेंगे और 11 बजे जो यहाँ के जो हरियाणा के जो व्यापारी हैं प्रकोष्ठ उनसे बातचीत करेंगे। करीब 1 घंटे तक ये बातचीत चलेगी। उसके बाद करीब 1:30 बजे जो मेडिकल मोड है वहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ पे पहुंचेंगे और कई जो परियोजनाएं हैं उनकी आधारशिला पर वहाँ पर रखेंगे। और 3 बजे जो माझे भगत था उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया माती कम्युनिटी सेंटर में, उसके बाद शिरकत करेंगे। और 4 बजे के मीडिया से रूबरू होंगे। उसी दौरान उसके बाद जो यहाँ पर रोहतक में जो मेला लगा है उसके लिए उसमें वहाँ शिरकत करेंगे, जो नियुक्ति पत्र वो वहाँ पर देंगे। जी रूबरू, यानी कि आज बिजी शेड्यूल रहने वाला है रोहतक की अगर बात की जाए सीएम मनोहर लाल का। लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां कैसी चली है वहां पर, और साथ ही लोगों में उत्साह भी क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से तस्वीरें हम देख रहे हैं जल शक्ति और जन शक्ति की। जी देखिए, सुबह 9 बजे करीब मुख्यमंत्री और खट्टर यहाँ पर जाट भवन के पास वहाँ पहुँच गए थे। जो जाट भवन है वहाँ पर जो जन शक्ति अभियान की उन्होंने हरी झंडी दिखाई। काफी लोग बच्चों को वहाँ के आम जन है उनमें काफी उत्साह था उसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है और पानी की बचाना जरूरी हो गया, तो सरकार एक मुहिम चला रही है कि जो बारिश का पानी है उसको संरक्षण किया जाए, उसको बाद में यूज किया जाए तो पानी की काफी किल्लत कम हो सकती है। जी, और कहीं ना कहीं ये मुहिम पहले भी शुरू हो जानी चाहिए थी सुरेंद्र, जिस हिसाब से हरियाणा में पानी को देखकर अगर हालातों की बात की जाए और जिस हिसाब से पानी की समस्या है, लेकिन अभियान तो चला दिया गया है। देखना होगा कि जनता तक ये अभियान कैसे पहुंचेगा और क्या जनता सचमुच इसमें जागरूक होगी और प्रशासन क्या कुछ कदम इसको लेकर, इस अभियान को लेकर उठाता है। देखिए, जिस तरह से जल बचाने की मुहिम भले ही देरी हो, लेकिन अभी जिस तरह से ये मुहिम चलाई गई है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जो बारिश का पानी उसको संरक्षण किया जाए, उसके बाद में यूज किया जाए, क्योंकि जो भूमि जल है वो काफी नीचे जा रहा है। और लगातार अभी फिलहाल एक समय भी आया था कि 30 साल बाद जो भूमि का जो बोतल पानी है वो समाप्त हो जाएगा, एक बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। इसके लिए तैयार होना होगा और पानी की एक बूंद जो जल है उसको बचाना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां के लिए तो पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के और आम जो लोगों के लिए जीना दुर्बर हो जाएगा। तो इसके लिए जल बहुत ही अहम है और जल के बिना जीवन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मुहिम से जो आने वाले जी, और सुरेंद्र सिंह, जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की ओर से जो सौगातें हैं, जो घोषणाएं हैं, उनकी फेरिस्त भी लंबी होती जा रही है।
जी देखिए बिल्कुल लगातार दो लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी बिल्कुल कमर कसी हुई है। लगातार जो दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने की हो या हल्केबाजी रैलियां करने की बात हो, चीज घोषणा करने की बात हो, चाहे नौकरियां की देने की बात हो, तो तमाम बीजेपी की सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। लोगों को अपने वोट बैंक की ओर अपने वोट खींचना चाहती है और इस तरह से उन्होंने नारा भी दिया है कि अब की बात छत्र पर, तो उनके लिए तो बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पूर्ण करने के लिए उन्होंने जो तमाम जो हल्के हैं हरियाणा के उन्होंने घूमना शुरू कर दिया है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। आज भी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि जो बीजेपी और इनेलो के कुछ नेता मुख्यमंत्री के और उसमें कुछ शामिल हो सकते हैं। जी शुक्रिया सुरेंद्र सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल रोहतक के दौरे पर हैं और एक उनके कई कार्यक्रम यहां पर होने जा रहे हैं, साथ ही सहकारिता मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। जल शक्ति जनशक्ति अभियान की शुरुआत सीएम ने हरी झंडी दिखाकर कर दी है।